जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ओलंपियाड के इस सेक्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 1, 2, 3 हम लोग पढ़ चुके थे पहले, ठीक है। तो आज चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चों। कह रहा है गिवन बिलू आर द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करने के लिए कह रहा है और क्या चीज़, एक क्वाड्रिलेटरल। कह रहा वेयर ए बी इज कितना है 5.6 सेंटीमीटर, बी सी 4.1 सेंटीमीटर, सी डी 4.4 सेंटीमीटर, ए डी 3.3 सेंटीमीटर एंड एंगल ए इज 75 डिग्री। करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज इनकरेक्ट, ठीक है। देखना क्या है, एक हमको क्वाड्रिलेटर बनाना है और क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए ये मेरे पास जो है ये सब मेजरमेंट दिए हुए हैं। अब इसी का यूज करके कैसे हम क्वाड्रिलेटर बनाएंगे, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, वही हम देखेंगे। वही जो स्टेप यूज़ नहीं होगा वो स्टेप क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट कह रहा है ड्रा ए बी 5.6 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना 5.6 सेंटीमीटर, तो ये मैंने सपोज करो एक 5.6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर दिया, ये हमारा ए बी। अब कह रहा है एंड कंस्ट्रक्ट एंगल बी ए एक्स एट 75 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम कंपास यूज करेंगे, लेकिन अभी यहाँ हम कंपास यूज नहीं कर सकते, तो आपको बता रहे हैं यहाँ पे आप कंपास यूज कर करके, ठीक है बच्चों, आप पहले 90 डिग्री बनाइएगा और उसके बाद 45 बनाइएगा और 45 का जब फिर हाफ कर देंगे, ये 75 की बात कर रहा ना, तो आप कंपास के थ्रू यूज़ कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। वही पहले 90 डिग्री बना के फिर उसके बाद 75 डिग्री बनाना है। ये हमारा ए, ये बी। अब एक हमने 75 डिग्री का एंगल बना दिया और ये क्या है बी ए, ये हमारा एक्स हो गया, ये कितना हो गया 75 डिग्रीस। अब सेकंड स्टेप क्या कर रहा है, विथ ए एज सेंटर एंड द रेडियस 3.3 सेंटीमीटर कट ऑफ ए डी। कह रहा है ए को सेंटर मान करके 3.3 सेंटीमीटर पे कट करना है और इसको क्या देना है डी, ये हो गया 3.3 सेंटीमीटर, ये कितना था 5.6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर एज अलोंग, ठीक है, किस पे ए एक्स, ए एक्स, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप ज्वाइन बी डी, ज्वाइन बी डी, ये देखना है ये ज्वाइन करने कह रहा है विथ डी एज सेंटर एंड रेडियस 4.1 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क। तो देखना बच्चों, अगर हम ये बी से ज्वाइन करते रहें तो ये हमारा कभी भी क्वाड्रिलेटर नहीं बन पाएगा। यहाँ हमें बी को सेंटर मानते हुए एक हमको क्या ड्रा करना चाहिए था, एक लाइन ड्रा करना चाहिए था, तो इसीलिए हमारा थर्ड स्टेप जो है ये गलत हो गया, रॉन्ग हो गया बच्चों। स्टेप फोर देखते हैं, विथ बी एज सेंटर एंड रेडियस 4.4 सेंटीमीटर। बी को सेंटर मान के रेडियस 4.4 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रा करना है, ठीक है, और इसको क्या करना है डी से मैच कर देना है और ये कितना है 4.4 सेंटीमीटर, सॉरी 4.1 है, 4.1 है। तो ये और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, और सी डी कितना हो जाएगा हमारा, तो सी डी हमारा हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक बन गया क्वाड्रिलेटरल। तो हमारा कौन सा जो है इनकरेक्ट स्टेप था, तो हमारा स्टेप नंबर 3 जो कि हमारा सी ऑप्शन में है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है टू कॉन्ट्रैक्ट ए क्वाड्रिलेटरल।
द मेजरमेंट ऑफ डैश साइड एंड वन डायगनल मस्ट बी गिवन। तो कितने साइड हमें होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल में? 4 साइड, ठीक है। ये तो शायद छोटे बच्चे को भी पता होगा जो फर्स्ट क्लास में होगा, अगर उसको क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो, बता रहे हो कितने साइड हैं तो बताएगा 4 साइड, ठीक है बच्चों। तो कितने साइड? 4 साइड। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। अरेंज द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वाइल कंस्ट्रक्टिंग ए पैरेललोग्राम ABC। अच्छा, पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेलल साइड जो है वो इक्वल होता है, ये पैरेलल साइड दोनों इक्वल होता है, ये होता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बनाना है। अब कह रहा है गिवन दैट AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर एंड एंगल भी 60 डिग्री। अब उसको हम लोग को क्या करना है? ड्रा करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग ड्रा करते हैं। तो कह रहा है फर्स्ट स्टेप कह रहा है विथ ए एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए को सेंटर मान के कह रहा है, ए को, और इसको रेडियस कितना बनाना है? 4 सेंटीमीटर। ड्रा एन आर कट ए वाई एट डी। अच्छा, इधर बनाना है ए वाई एट किस पे? डी पे, ओके, 4 सेंटीमीटर का। अब क्या कह रहा है? एट ए ड्रा एंगल वाई ए बी, एंगल क्या कह रहा है? एट ए ड्रा एंगल वाई ए बी, ठीक है, कितना? वाई ए बी, तो वाई ये हो गया, ये हो गया और ये बी हो गया, ये कितना है? 120 सेंटीमीटर। देखना सबसे पहले यहाँ एक चीज़ गलत दिया है, ठीक है। यहाँ ये कहा है कौन सा स्टेप जो है पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे, एक क्या करेंगे लाइन ड्रा, जो होगा हमारा ए बी। तो हमारा लाइन जो ड्रा कर रहे हैं वो 5 सेंटीमीटर का, वो यहाँ दिया हो 4 पे, तो सबसे पहले 4 आएगा, तो 4 सम में है, ठीक है। तो अभी हम कोई ऑप्शन नहीं ले सकते। उसके बाद ड्रा एट बी एंगल एक्स बी ए एंगल एंगल एक्स बी ए, और ये कितना कह रहा है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमारा ये होगा, देखना ये बी होगी, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया एक्स, तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा। तो 4 और 3, तो ये सी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरह आप देख लेना बच्चे, ठीक है। तो हमारा बनेगा ऑप्शन ए, 4 के बाद आएगा, 3 के बाद आएगा हमारा 6, ज्वाइन सी डी। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस दी डायगनल्स पी आर एंड क्यू एस आर 29 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। साइड पी क्यू एंड आर एस आर 13 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू अस द कॉन्स्ट्रैक्ट द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? हमारा एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है जो कि हमारा क्या है? पी क्यू आर एस। अब कह रहा है पी आर जो है, ये पी और आर ये डायगनल्स हैं, ये कितना है हमारा? तो ये हमारा 29 सेंटीमीटर। और क्या बता रहा है हमारा? क्यू एस, क्यू एस ये हमारा, और ये कितना बता रहा है? ये 25 सेंटीमीटर बता रहा है।
अब साइड पी क्यू, साइड पी क्यू ये कितना बता रहा है एंड आर एस आर 13 सेंटीमीटर, ये 13 है और ये 17 है, आर एस ये 17 है, तो इसमें हमारा सब यूटिलाइज हो रहा है ना। तो कह रहा है कौन सा सही है, तो हमारा आल ऑफ दीज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ का ऑप्शन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, कह रहा है इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, कह रहा है इफ ए बी, ये ए बी है और पैरेलल टू किसके है सी डी के, ये सी है ये डी है, दोनों पैरेलल हैं। ए बी 7 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर, सॉरी बी सी, ये बी सी ये 6 सेंटीमीटर बता रहा है। ए डी कितना बता रहा है, ए डी ये कितना है 6.5 सेंटीमीटर, एंड एंगल बी कितना है 70 सेंटीमीटर, ये 70 है। देन विस फिगर कैन बी कंस्ट्रक्ट, तो देखना ये 70 है ना, तो हमारा इस तरह एंगल बनेगा, ये जो है थोड़ा झुकाव इधर रहेगा, ये देखना 90 से कम होगा, ये चीज़ यहाँ होगा इसे, ये चीज़ और ये चीज़ ऐसे भी होगा। तो हमारा कौन सा बनेगा बच्चों, त्रिपेजियम बनेगा, ये इस तरह बनेगा, देखना इस तरह बनेगा, जो कि हमारा क्या बन जाएगा ट्रेपेजियम। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, गिवन बिलू आर द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वेयर ए बी इज 3.5 सेंटीमीटर, ये जो हमारा गिवन दिया है, कुछ चीज़ें हमारा दे दिया गिवन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि इसमें कौन सा स्टेप जो है वो इनकरेक्ट है। तो सेम पहले कितना है बच्चों, तो 6 का जो है हमारा हो जाएगा स्टेप नंबर 4, ये इनकरेक्ट है, तो इसको आप लोग बना के देख लीजिए बच्चों, ठीक है। अब हमने आपको बता दिया है एक क्वाड्रिलेटर बनाना है, सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटर बना देना, सबसे पहले ये लाइन ड्रा करना रहेगा और उसके बाद यहां से या तो ये लाइन या तो ये लाइन, अगर ये लाइन ड्रा कर करके ये बता रहा है तो ये गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा बच्चों, या ए बना करके ये बनाने की लाइन कर रहा है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। पहले ये बनाएगा उसके बाद ये लाइन बनाएगा, ये लाइन बनाएगा, जो भी एंगल दिया होगा, ये दोनों ड्रा करने के बाद में हम इसको जो है दोनों में जो है वो मैच कर देंगे, तो इसीलिए जो है ये स्टेप 4 जो है ये इनकरेक्ट है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहा है टू कंस्ट्रक्ट ए काइट, काइट कैसे होता है बच्चों, तो आप पतंग देखे ही होंगे इस तरह से, ये दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों साइड इक्वल होते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी, ठीक है, इसमें से कौन सा नेसेसरी है उसके बारे में बात कर रहा है। तो हमारा टू एडजसेंट अनइक्वल, टू एडजसेंट अनइक्वल साइड एंड इंक्लूड डायगनल्स, ये हमारे डायगनल्स रिक्वायरमेंट है बच्चों, ठीक है, ये हमको चाहिए ही चाहिए। अब एडजसेंट हमने क्यों कहा, एडजसेंट अनइक्वल क्यों होता है, ये देखना, ये जो हमारा है, ये जो एंगल हमारा, ये जो साइड हमारा है, ये साइड दोनों अनइक्वल होंगे, यही एडजेसेंट होते हैं, और दोनों सेम जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि पर अगर हम देखेंगे ऑल चैप्टर्स इन दिस बुक क्लास 8, टोटल क्वेश्चन नंबर 15 इन ए चैप्टर, तो मैंने क्या किया है, डिवाइड कर दिया इसको 15 को 8/7 में, ठीक है। एक क्लास में हम लोग 8 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, एक क्लास में 7 क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन भी बड़े बड़े हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं, करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलेटरल ए बी सी डी, तो तुरंत हमने क्या कहा था, ए बी सी डी एक बना लो, ए
बी सी डी। अब पहले इसको ड्रा करेंगे, अगर एंगल दिया है तो इसको या फिर एंगल दिया है तो इसको, इन दोनों को ड्रा करने के बाद इसको जो है मिला देंगे या मैच कर देंगे, यही करना हमको। तो अर्थ में बता क्या रहा है तो इसमें कह रहा क्या रिक्वायरमेंट है जो है कि हमारा एंगल जो है वो बन जाए, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ सही है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा द इक्विलेटरल सिंस क्यों ए डी प्लस डी सी इज लेस देन ए सी। अब देखना क्या कर रहा है, ए डी, ए डी कितना है 6 सेंटीमीटर और डी सी कितना है, तो डी सी हमारा है, डी सी है 2 सेंटीमीटर, तो 6 2 8 हो गया। और ये किससे छोटा है, ए सी से, ए सी कितना है 9 सेंटीमीटर। जबकि हम लोग पढ़े हैं सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये हमेशा याद रखना बच्चों, ये चीज हमेशा आप याद रखना, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे जो हो, दो साइड का हमेशा सम जो है वो थर्ड से बड़ा ही होगा, कभी भी छोटा नहीं हो सकता। अगर छोटा हुआ तो कभी भी वो ट्रायंगल बन नहीं सकता, चाहे ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रेटरल हो चाहे रेक्टेंगल हो चाहे जो हो। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यही क्लास जो है ओवर करते हैं बच्चों, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो रिमेनिंग 7 क्वेश्चंस हैं। और बच्चों प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियोस, थैंक यू बच्चों।